नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस 2019, बैंक के जितने भी एग्जाम होंगे 2019 के, चाहे IBPS का हो, चाहे SBI का हो, चाहे RRB का हो, चाहे RRB NTPC रेलवे का एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पे जो अपने बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो सेशन चलेगा, आज 1 मार्च का करंट अफेयर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी के मैंने सभी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए डाल दिए हैं, 3 या 4 पार्ट के अंदर वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जाके। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाला जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम रिलेटेड नहीं हो। तो अपने आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन 1 मार्च के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे लाइव सेशन से जुड़े डेली बेस पे। तो आज थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है क्योंकि आज फर्स्ट डे था, कल से हम अपने सेशन जल्दी से रखने की कोशिश करेंगे ताकि सुबह सुबह आपको मिल जाए हर दिन। तो चलिए अपने दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के MCQ भी। देखिए, भारत इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में 47वें स्थान पर। तो भारत जो है वो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में कौन से स्थान पर आया है, तो 47 स्थान पर आया है। ठीक है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। या तो आप इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए, यानी महीने के अंदर आप या इन वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, या इनके आप नोट्स बना लीजिए ताकि आप जैसे ही डेली के डेली आप इनको रीड आउट कर सको। ठीक है, और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स का दूसरा नाम यानी समावेशी इंटरनेट सूचकांक और इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं आपको दोनों नाम देखे तो दोनों एक ही चीज़ है। और इनमें जो फर्स्ट यानी शीर्ष पे रहा है जो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में, वो है स्वीडन। स्वीडन फर्स्ट स्थान पर आया, और तीसरे पे है अमेरिका। ठीक है, और भारत 47वीं भी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 नई दिल्ली में आयोजित। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। ठीक है, नागरिक उड़ियन मंत्रालय द्वारा एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहां पे किया गया। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका आयोजन किसने किया, तो इसका आयोजन कौन करेगा, नागरिक उड़ियन मंत्रालय द्वारा एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसके साथ देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 कब मनाया गया, यानी ये तो एक स्टडी का क्वेश्चन मान लीजिए आपकी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है, 28 फरवरी को होता है। यहाँ पे इसको समर्पित करने का जो कारण क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 28 फरवरी 2019 को मनाया गया, इसका विषय क्या है। अब एग्जाम के अंदर, बैंक एग्जाम के अंदर विषय पूछे जाते हैं, अगर आपसे ये विषय पूछे जाए तो आप ये विषय, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2019 का विषय क्या है, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, यानी विज्ञान लोगों के लिए और लोग विज्ञान के लिए, साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा, भारत और बांग्लादेश। ये तो आपके स्टडी का क्वेश्चन मान सकते हो आप, क्योंकि स्टडी के क्वेश्चन के अंदर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जो सैन्य अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में हो रहा है। ये इनकी लिस्ट एक मैं आपको डाल दूंगा स्टैटिक वाले जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके अंदर, तो आप सारे उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो संप्रीति 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ किया जाएगा, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुक्तेश कुमार परदेशी को, देखिए मुक्तेश कुमार परदेशी को न्यूजीलैंड में भारत के अगले ऊंचाई के रूप में नियुक्त किया है। मुक्तेश कुमार परदेशी को न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में भारत के अगले ऊंचाई के रूप में नियुक्त किया है। अगर आप वीडियोस को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, इसे आपके याद हो जाएगा। देखिए, मुक्तेश कुमार परदेशी को न्यूजीलैंड में भारत के अगले ऊंचाई के रूप में नियुक्त किया है। इसको अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको बिना पढ़े आपके याद हो रहा है। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटे रिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपके रेलवे के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंक के अंदर भी आ सकता है। ने अपना पहला पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम IRCTC iPay लॉन्च किया है। यानी IRCTC क्या है, एक रेलवे की सब्सिडरीज कंपनी है। सब्सिडरीज कंपनी का मतलब है सहायक कंपनी है रेलवे की। ठीक है, उन्होंने अपना जो पहला पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम है IRCTC iPay वो लॉन्च किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के फील्ड में, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने मेडिकल उत्पाद रेगुलेशन जो है उसके फील्ड के अंदर सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी दी है। यानी एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और अर्जेंटीना के बीच मेडिकल उत्पाद रेगुलेशन को लेकर, इसकी जो मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो ये भी पूछा जा सकता है, मेडिकल उत्पाद विनियमन या रेगुलेशन जो है वो किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है, तो भारत और अर्जेंटीना के बीच। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1 मार्च के। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी डेली बेस पे अपने यही कोशिश रहेगी कि डेली बेस पे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए जाए, ताकि जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। RRB की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे IBPS PO की कर रहे हो, चाहे SBI PO की कर रहे हो, फरवरी 2019 से आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा।
अगर आपको एग्जाम पास करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो फिर आप जून जुलाई का भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर अगर एग्जाम के अंदर देखिए अपने तो लास्ट 6 मंथ का पूछा गया है, और जो आरआरबी की भी एनटीपीसी की वैकेंसी है ये रेलवे की, उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं साथ में कर रहा हूँ, यानी करंट अफेयर तो सभी में एक जैसा ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं जैसे रेलवे के कुछ स्पेसिफाई हो गए, बैंक के कुछ हो गए, तो उनको भी मैं साथ में इंक्लूड कर दूंगा, बैंक, रेलवे, एसएससी के सभी क्वेश्चन, ताकि जो भी आरआरबी एनटीपीसी की रेलवे की तैयारी कर रहा है और साथ में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो दोनों को इसमें फायदा हो जाए। कुछ स्टूडेंट क्या क्या रेलवे की तैयारी करेंगे और बैंक की भी करेंगे, दोनों की एक साथ करेंगे तो उनको भी फायदा हो जाए। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।